सो हेलो एंड वेलकम गाइस, कैसे हो सारे? आई होप सारे बढ़िया हो गए एंड आगे भी बढ़िया रहना। बाकी सीएस रैंक का न्यू सीजन आ चुका है, जैसे कि तुम्हें पता है कि सीजन 23 एंड हो चुका है एंड नया सीजन आ चुका है एंड नया सीजन में तुम लोग सब पुश कर रहे होगे। सीएस रैंक पुश कर रहे होगे। मेरा कहने का मतलब यही था कि तुम सीएस रैंक पुश करोगे, तो सीएस रैंक पुश करते वक्त तुम्हें चाहिए होगा एक बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन, मतलब ऐसा कैरेक्टर कॉम्बिनेशन जो तुम्हें हेल्प करे तुम्हें सीएस रैंक विन करने में। एंड अगर तुम्हें सीएस रैंक में ग्रैंड मास्टर जाना है तो एक बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन चाहिए होगा तुम्हें। तो मैं आज लेके आ चुका तुम्हारे सामने टॉप 5 कैरेक्टर कॉम्बिनेशन एंड यहाँ पर तुम्हें जितने कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बताऊंगा सब कॉम्बिनेशन के साथ यहाँ पर मैं तुम्हें क्लच करके भी बताऊंगा कैसे तुम्हें क्लच करना है कैसे नहीं। तो यहाँ पे वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है एंड काफी तुम्हें मजा आएगा। बाकी मेरी हेल्थ थोड़ी सी लो है तो एडजस्ट कर लेना मेरी वॉइस। इसका रीजन है कि कल रात से मेरे को काफी गंदा फीवर हो रखा था एंड यहाँ पर अभी भी है, बट मेरे को एग्जाम देना था तो मैंने कल एग्जाम दिया एंड उसके बाद मैं आके सो गया था एंड उसके बाद मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आई होप तुम्हें वीडियो अच्छी लगी, तो यहाँ पर वीडियो को एंड तक देखना, काफी मजा आएगा और वॉइस थोड़ी सी लो होगी तो प्लीज एडजस्ट करना। बाकी वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला कॉम्बिनेशन तुम्हें लगाना है सीआर 7 से एंड यहाँ पर तुम्हें सबसे पहले एक्टिव स्किल में सीआर 7 लगाना है, साथ में तुम्हें लगाना है वुल्फ्रा एंड वुल्फ्रा के साथ लूना एंड साथ में तुम्हें लगाना है नेडिंग के लिए एल्वो रॉयलाइट। अब आज देखते हैं गेम में क्या होता है हमारे साथ। तो सबसे पहले मेरे पास AWM थी, मैंने हेडशॉट दे दिया सबसे पहले और AWM का हेडशॉट तो मतलब वुल्फ्रा के साथ भी काफी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर वुल्फ्रा का यूज भी आ चुका है हमारे सामने। बाकी एक तो इसको दिया मैंने 150 एंड यहाँ पर ये बंदा भी खत्म हो जाता है। अब साथ में सामने सिर्फ दो बंदे बचे हुए हैं एंड यहाँ पर थोड़ी बहुत फाइट हो रही थी, मैंने जाके थर्ड पार्टी कर दी और इस बंदे को जल्दी से नॉक ले लिया एंड मेरे पास लूना भी चार्ज है एंड वुल्फ्रा भी चार्ज है। तो तुम देख सकते हो यहाँ पर अभी हमारे साथ क्या होने वाला है। क्या हेडशॉट दिया भाई मैंने इसको, पहला क्लच तो तुम देख चुके हो यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, हमारे सामने एक बंदा आता है एंड यहाँ पर जैसे ही बंदा हमारे सामने आया यहाँ पर सीएल 7 ऑन किया मैंने, बिकॉज सेकंड बंदा भी आ गया था एंड यहाँ पर मैंने इसको जल्दी से नॉक दिया एंड यहाँ पर ये बंदा मेरे ऊपर आया था, इसको भी क्या ही हेडशॉट दिया मैंने और यहाँ पर ये बंदा भी खत्म। मेरा वुल्फ्रा चार्ज था यहाँ पे एंड लूना तो तुम्हें पता है ऑलवेज से चार्ज ही रहती है। सो लूना वुल्फ्रा एंड सीएल 7 के यूज से मैंने काफी इजी उन दोनों को खत्म कर दिया एंड यहाँ पर मैंने जल्दी से इनको क्लियर ले लिया। अब मैं इनको जैसे ही क्लियर लेता हूँ यहाँ पर मेरा एक टीममेट बचा होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है मेरे सामने मेरे सारे टीममेट्स मर जाते हैं, मैं अकेला बचता हूँ एंड यहाँ पर ये भी क्लच वाला मूवमेंट आ चुका था मेरे सामने। तो अभी देखते हैं क्या होता है, एक लास्ट बंदा बचा हुआ है और ये कॉम्बिनेशन है रश वालों के लिए। तो अगर तुम रश करके खेलते हो तो ये जरूर से लगाना, बाकी नहीं खेलते तो नहीं बता सकता। बाकी यहाँ पर बस तुम हेड देखना, बिकॉज वुल्फ्रा लगा रखा है मैंने यहाँ पे अभी एंड वुल्फ्रा चार्ज है मेरा पूरी तरीके से। तो यहाँ पर बस तुम हेडशॉट देखना, यहाँ पे सीधा 139 का हेड लगा है, यहाँ पर क्लोज में अगर तुम मारते हो तो 139 का MP40 से भी लगता है, तो वुल्फ्रा की पावर तो है भाई यहाँ पे। तो ये कॉम्बो लगाओगे तो काफी इजी क्लचेस देखने को मिलेंगे तुमको। क्या बात है। एंड यहाँ पर हमारा इस कॉम्बो में एक थर्ड कैरेक्टर भी है जिसका नाम है एल्वोरो एलाइट एंड यहाँ पर इसका यूज ये है कि तुम नेट कर पाओगे कहीं से भी एंड तुम्हें पता ही है कि हाई रैंक पे तुम्हें नेट करना कितना जरूरी होता है, मतलब हाई रैंक पे जो बंदे सबके सब कैम करके बैठे होते हैं एंड यहाँ पर नेटिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज नेट से तुम्हें नॉक निकालना पड़ेगा, बिकॉज वहाँ पे कोई तुम्हें पीक नहीं देगा या फिर कोई रश नहीं करेगा, तो तुम्हें नेट करना बहुत जरूरी है। अगर नेट करना नहीं आता तो एक बार प्रैक्टिस कर लेना ट्रेनिंग में। बाकी यहाँ पर अब देखो मेरे साथ क्या होता है, यहाँ पर मैं गया एंड यहाँ पर तीन बंदे थे मेरे पास, अनएक्सपेक्टेड तीन बंदे मेरे सामने आया, लेकिन यहाँ पर मैं भाग्य कैसे भी करके एंड मैंने दोबारा से सीआर 7 ऑन करके मैं जल्दी से भाग गया। अगर मेरे पास ये सीआर 7 ना होता तो मैं भाग नहीं पाता, साथ में एलाइट एल्वोरो भी। यहाँ पर काफी इजी मैंने इस बंदे को नॉक निकाल लिया एंड यहाँ पर जब मैं सामने चल रहा था मेरे सामने ये बंदा रिवाइव कर रहा था और मैंने इसको भी बहुत जल्दी नॉक कर दिया। गुड क्वेश्चन। तो अगर तुम ये कॉम्बो लगा के खेलते हो तो तुम काफी इजी रश कर पाओगे एंड बहुत सारे क्लचेस कर पाओगे काफी आसानी से, जैसे मैं कर रहा हूँ यहाँ पे बिल्कुल स्मूथ क्लचेस कर पाओगे एंड यहाँ पर ये कॉम्बो तुम लगा के बताओ एंड तुम खेल के बताओ, कमेंट करना यहाँ पे और बताना तुम्हें कैसा लगा कैसा नहीं। बाकी ये कॉम्बो तुम्हें सपोर्ट देता है कहीं भी भीड़ में, अगर तुम्हें कवर चाहिए होगा इंस्टेंट कवर चाहिए होगा तो ये तुम्हें बहुत जल्दी कवर देगा एंड तुम्हें काफी बंदों से काफी इजी बचा लेगा। ठीक है। सो अब बात करते हैं अपने सेकंड कॉम्बो की। तो यहाँ पे तुम्हें लगाना है तात्सुया एक्टिव स्किल में एंड यहाँ पर पैसिव स्किल में तुम्हें सबसे पहले एलाइट एल्वोरो लगाना है, साथ में शानी लगानी है एंड लूना रहने देना, बाकी यहाँ पर लोडआउट चाहो कुछ भी रखो। लेकिन यहाँ पे जो तुम्हें पेट लगाना है उसमें मैं सजेस्ट करूंगा कि बीस्टोन लगाना, बिकॉज तुम्हें नेट करना पड़ेगा, चाहे तुम्हें आता हो ना आता हो लेकिन नेट तुम्हें करना पड़ेगा, बिकॉज नेट काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सो अभी आ चुके हैं अपने गेम में और यहाँ पर पहले राउंड में आ चुके हैं। तो पहले राउंड में तुम्हें कुछ नहीं करना, बस तुम्हारे पास कटाना मिल जाएगी, लूडआउट तो तुम्हें पता है कौन सा लगाना है कटाना के लिए, बाकी लूडआउट तुम ये लगा लेना और तुम कटाना ले लोगे
साथ में तुम नेट भी ले सकते हो अगर चाहो तो, तुम्हारा टीममेट तुम्हें देता है तो ले सकते हो, नहीं तो तुम नेट ले लोगे, बिकॉज गन नहीं ले रहे तो नेट ले सकते, वरना तुम्हारे पास कटाना तो है ही, अगर कटाना है तुम्हारे पास तो तुम शॉर्ट वालों को तो मार दोगे, बाकी लॉन्ग रेंज में अगर फाइट हो रही है तो यहाँ पर तुम नेट कर सकते हो, बाकी ड्रॉप भी तुम्हारे पास होगा एंड ड्रॉप के पास अगर जा सकते हो जल्दी से जल्दी जाना, बाकी यहाँ पर तुम्हें पीछे से ही पड़ेगी बिकॉज सामने वाले भी ड्रॉप पे आ रहे होंगे। ये जो छोटी छोटी चीजें होती है गेम में यहाँ पर ये बहुत हेल्प करती है, तो यहाँ पर इनका यूज करना मत भूलना। बाकी कोई शॉर्ट में आता है तो कटाना तुम्हारे पास है, तुम कटाना से काफी इजी लॉक ले लोगे, साथ में कोई लॉन्ग में है तो मतलब यूएसपी से भी अच्छे हेड लगते हैं, जैसे कि तुमने यहाँ पे देखा मैंने यूएसपी से मारा एंड इसको क्लियर करने के लिए मैं फ्लैश फ्रीज फेंक दूंगा जो कि मेरे को मिली थी ड्रॉप से, एंड उसके बाद एक ये बंदा यहाँ पे था और मैंने तत्सुया को यूज करके काफी इजी इसको यहाँ पे नॉक दे दिया, तो कुछ इस तरीके की क्लचेस तुम पहले राउंड में निकाल पाओगे एंड साथ में अगर नेट की जरूरत पड़े तो तुम नेट भी कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर इस कॉम्बो में तुम्हें मतलब पोजीशन लेने में भी काफी इजी होगा बिकॉज यहाँ पे तुम देख सकते हो मेरे पास तात्सुया था, मैंने जल्दी से इसका यूज किया एंड यहाँ पर ये रिमनाम वाला राउंड है एंड यहाँ पर तुम्हें कुछ नहीं करना, बस एक वॉल लगानी है यहाँ पे और वॉल लगाने के बाद बस यहाँ पे चढ़ जाना ऊपर की साइड एंड ऊपर की साइड जाने के बाद तुम्हें काफी अच्छी लोकेशन मिल जाएगी सामने वाले बंदों की और बस तुम यहाँ पर मॉनिटर करते रहना कौन किधर है और हो सके तो लोकेशन बता देना अपने टीममेट्स को अगर तुम माइक ऑन करके खेलते हो या फिर तुम अपने टीममेट्स के साथ खेलते हो, बाकी रैंडम के साथ खेलते हो तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन फिर भी तुम अपनी टीम को लोकेशन बता सकते हो अपने एनिमीज की। और यहाँ पर मेरे सामने एक बंदा था, काफी इजी नॉक दिया, नॉक देने के बाद काफी इजी मैंने इसको खत्म कर दिया एंड इसको खत्म करने के बाद एक और बंदे की लोकेशन दिख गई मेरे को, मैंने इसको भी नॉकडाउन करके खत्म कर दिया एंड लूना में तुम्हारे पास फार्मर्स भी है, मतलब लूना के साथ फार्मर्स है तो यहाँ पर काफी इजी चलती है फार्मर्स, बाकी चला के देखने का भी सीएस रैंक में बहुत काम आती है एंड यहाँ पर इससे तुम काफी इजी क्लचेस भी निकाल पाओगे एंड यहाँ पर मैंने सबको खत्म कर दिया एंड यहाँ पर लास्ट वाले बंदे को भी मैं खत्म कर दूंगा। क्या बात है, बाकी इस कॉम्बिनेशन में हमने अपना एलाइट एल्वरो लगा के रखा है तो यहाँ पर तुम्हें कुछ नहीं करना, बस एक ही नेट काफी है एंड जो ही क्लियर कर रहा होगा तुम्हारे टीममेट को या फिर नॉक कर रहा होगा उसको तुम काफी इजी नेट करके बहुत इजी खत्म कर दोगे, पहले उसको क्लियर करने देना उसके बाद नेट मार के खत्म कर पाओगे। देखो नेट करना भी एक स्किल है, तुम्हें पता होना चाहिए बंदा कौन कब कहां आ रहा है और तुम शॉर्ट में भी नेट कर सकते हो, ऐसा नहीं सिर्फ लॉन्ग में, शॉर्ट में भी कर सकते हो, बस लोकेशन देखो अपने पास बुलाओ और तुम काफी इजी नेट कर पाओगे, लेकिन जल्दी क्लियर करना बिकॉज तुम भी क्लियर हो सकते हो। सही बात है, और नेट करने के लिए परफेक्ट लोकेशन जो होती है ना वो वहाँ पे ड्रॉप होती है बिकॉज ड्रॉप काफी बंदे लूट रहे होते हैं एंड ऐसे में तुम्हारे पास तात्सुया कैरेक्टर है तो जल्दी पोजीशन लेना एंड अगर तुम नेट से नॉक कर देते हो यहाँ पे मतलब नेट फेंक देते हो उसके बाद तुम रश कर पाओगे और तुम रश करते हो कुछ इस तरीके से नॉक ले लोगे सबसे पहले तो, एंड इसको जल्दी से मैंने खत्म कर दिया एंड यहाँ पे सिर्फ दो ही बंदे बचे हुए हैं एंड यहाँ पर मेरे को लोकेशन मिल गई इस बंदे की 150 एंड 150 के बाद काफी इजी मैंने इसको नॉक ले लिया, मैं इसको क्लियर भी निकाल लूंगा, बाकी एक लास्ट बंदे बचे हुए सामने की तरफ एंड यहाँ पर मैंने थोड़ा बहुत डैमेज दिया एंड यहाँ पर AWM के साथ 150 देके मैंने इसको काफी इजी खत्म कर दिया, बाकी तात्सुया है तो ये मेरा कुछ नहीं कर पाएगी, तो यहाँ पर तात्सुया से तुम कुछ इस तरीके क्लचेस निकाल सकते हो पहले पोजीशन लेके नेट करके तो तुम काफी इजी क्लचेस निकाल पाओगे। अब देखो चाहे कोई भी कॉम्बिनेशन हो ऐसा नहीं है कि तुम मतलब अश्वत्थामा बन जाओगे और तुमको कोई खत्म ही नहीं कर पाएगा, मतलब तुम सबको मार दोगे ऐसा नहीं हो सकता, मतलब हर राउंड तुम जीतने लगे तो यहाँ पर सारे सीएस रैंक मैच तुम ही जीतोगे कॉम्बिनेशन के दम पे, तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता, जैसे कि तुमने मेरे को देखा सामने वाले के पास भी तात्सुया था एंड यहाँ पर मैंने ट्राई तो किया इसको खत्म करने का लेकिन यहाँ पर इसने मेरे को खत्म कर दिया बिकॉज मैंने यहाँ पर ओवर रश कर दिया था। तो कॉम्बो के साथ तुम्हें टिप्स एंड ट्रिक्स भी पता होनी चाहिए तो यहाँ पर मेरी लास्ट वाली वीडियो देख लेना जो मैंने कल डाली थी, तो वहाँ पे तुम्हें टिप्स एंड ट्रिक्स भी पता लग जाएंगी, बाकी नेक्स्ट कॉम्बो की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन होने वाला हमारा जाइन कैरेक्टर के साथ और यहाँ पर तुम्हें सबसे पहले जाइन लगाना एक्टिव में और साथ में तुम्हें एंटोनियो लगा लेना है, एंटोनियो के साथ तुम लगा लोगे यहाँ पे लून एंड लास्ट कैरेक्टर शानी जो कि तुम्हें 50 एचपी की शील्ड देता है एंड उसके बाद तुम्हें काफी ज्यादा एचपी मिल जाएगी, तो चलो अब गेम में चलते हैं और देखते हैं क्या होता है। चलो भाई, तो यहाँ पर इस कॉम्बो में तुम्हें पता है कि लूना है यहाँ पे हमारे पास, तो लूना का एनी टाइम यूज है, मतलब कहीं भी तुम यूज कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर मैंने इसको काफी इजी हेडशॉट मार दिया एंड रश करते टाइम या फिर तुम्हारे ऊपर रश हो रहा है तो यहाँ पर लूना काफी यूज में है। सही बात है, एंड इसमें साथ में हमने बीस्टन भी लगा रखा है तो यहाँ पर नेट भी तुम कहीं पे भी कर सकते हो एंड यहाँ पर ऊपर एक बंदा था, मैंने नेट किया हालांकि गया नहीं, मतलब वो थोड़ा बहुत डैमेज है एंड यहाँ पर अब देखो क्या होता है, यहाँ पर मैंने इसको सबसे पहले दिया डैमेज और यहाँ पर ये बंदा नॉक हो जाता है, अब एक लास्ट बंदा बचा हुआ है वुल्फ्रा नहीं है, उसके बाद भी यहाँ पर हेडशॉट काफी इजी लगता है एंड यहाँ पर ये बंदा भी खत्म। अब ये कॉम्बो तुम्हें लॉन्ग शॉट दोनों में काम आएगा, अगर तुम लॉन्ग में फाइट लेते हो तो पहले जाइन ऑन कर दो एंड यहाँ पर तुम पीक ले लो, चाहो तो तुम पीक ले सकते हो एंड यहाँ पर उसके बाद कोई भी फायर कर रहा होगा तुम्हारे ऊपर तुम काफी इजी उसको खत्म कर पाओगे, बाकी तुम्हारी 300 की एचपी मिल जाती है तुम्हें, तुम्हें पता ही है यहाँ पर अगर 50 की शील्ड है एंड यहाँ पर 260 एचपी है तो यहाँ पर 300 प्लस एचपी मिल जाती है, उसके बाद तुम्हें कोई खत्म नहीं कर पाएगा। गुड क्वेश्चन, इस कॉम्बो के साथ तुम्हें पहला राउंड जीतना काफी इजी हो जाता है, अगर सामने वाले बंदे तुम्हें हेडशॉट नहीं मारते तो काफी इजी होगा, पहले सबसे पहले तुम्हें कुछ नहीं करना, ड्रॉप लूटना है एंड उसके बाद जाना बंदों के पास एंड यहाँ पर जाने के बाद पहले हेडशॉट दिया मैंने इसको एंड सोनिया दिमित्री लगा ली लोगों ने, बट कोई बात नहीं, यहाँ पर इसको हेडशॉट दिया, काफी अच्छा हेडशॉट दिया, मेरा जाइन ऑन है, मेरी 260 प्लस एचपी है यानी कि 300 एचपी थी मेरी
एंड यहाँ पर उसके बाद ये दोनों बंदे नॉक हो जाते हैं। तुम्हें पता है काफी टफ था, लेकिन मैंने नॉक निकाल लिया। यहाँ पर मेरे पास 300 प्लस एचपी थी, दैट्स व्हाई दोनों मेरे को नॉक नहीं कर पाए, वरना ये लोग मेरे को कब का नॉक कर देते। बाकी यहाँ पर बीस्टन पेट की इंपॉर्टेंस मैं तुम्हें दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने नेड किया और सामने जो बंदा था वो बंदा क्लियर हो गया एंड यहाँ पर पूरी तरीके से खत्म हो गया। तो यहाँ पर अगर तुम्हारे पास एलाइट एल्वोरो नहीं भी है तब भी तुम ये कैरेक्टर लगा के खेलते हो, यहाँ पर बीस्टो लगा के खेलते हो, तो तुम काफी इजी नेड करोगे। ठीक है, तो अब आज थोड़ा बात करते हैं यहाँ पर इस कॉम्बो के लूप होल पे। और कोई भी कॉम्बो हो उसका एक ना एक लूप होल होता है यहाँ पे, और अगर तुम सीधा रश कर देते हो तो मतलब कोई फायदा नहीं कोई भी कॉम्बिनेशन का। तो यहाँ पर देखो मेरे साथ क्या होता है, यहाँ पर सामने बंदे थे, पता नहीं कितने थे, बट मेरे को लगा कि मैं दो बंदे तो ईजी निकाल लूंगा नॉक एंड मैं गया रश करने, लेकिन यहाँ पर सीधा तीन बंदे होते हैं मेरे सामने। मेरी 300 की एचपी इन लोगों ने मिनटों में खत्म कर दी, यानी सेकंड्स में, मिनटों में भी नहीं सेकंड्स में खत्म कर दी। और यहाँ पर ये लोग रिवाइव होते हैं और काफी इजी है मेरे टीममेट्स को खत्म कर देते हैं। सो मोरल ऑफ दी स्टोरी गाइस, यहाँ पर तुम्हें रश नहीं करना बिना लोकेशन पता होते हुए। बाकी यहाँ पर बीस्टन पैड की काफी इंपॉर्टेंस है एंड यहाँ पर बीस्टन पैड की वजह से मैंने एक और बंदा नॉक निकाल लिया है। बाकी यहाँ पर ये बंदा रश करने जा रहा था और मेरे को क्लियर करना था, तो साथ में मैंने यहाँ पर फ्लैशरिस फेंक दिया, लेकिन वो उसके पास नहीं गया, बट कोई बात नहीं। यहाँ पर अब देखो मेरे साथ क्या होता है, मैं इधर जा रहा हूँ एंड यहाँ पर जाते के साथ ये बंदा मेरे सामने आया, लेकिन मैंने हेडशॉट देके इसको जल्दी से नॉक कर दिया एंड इसको नॉक करने के बाद मैंने जल्दी से इसको क्लियर कर दिया। बाकी लूना काफी यूज का कैरेक्टर है, अगर नहीं करते यूज तो तुम यूज करना, बिकॉज लूना की वजह से काफी इजी हेडशॉट लगता है, जैसे कि तुमने यहाँ पे देखा। एंड यहाँ पर एक बार नहीं बहुत बार हेड मारे मैंने इसको लेके, जैसे कि तुम यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर मैंने इसको काफी इजी नॉक कर दिया। नेडिंग भी काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो प्लीज से नेड करना, अगर नहीं करना आता तो सीख जाना। बाकी यहाँ पर कुछ ऐसी लोकेशन है जहाँ पे मतलब तुम ऑलवेज नेड कर पाते हो, जैसे कि तुम यहाँ पे देख सकते हो मैंने वहाँ पे नेड किया एंड साथ में मेरे सामने यहाँ पे एक बंदा है जिसकी मेरे को लोकेशन पता है। एंड लोकेशन पता होने के बाद नेट करना काफी इजी है यहाँ पे, जैसे कि तुमने देखा मैंने नेट कर दिया। और साथ में अगर तुम्हारे टीममेट के पास ड्रैकी पेट है तो यहाँ पर ड्रैकी की वजह से तुम्हें लोकेशन पता लग जाएगी जो भी मेडिकेट कर रहा होगा, और जो मेडिकेट कर रहा होगा वो काफी डैमेज होगा, तो यहाँ पर मतलब उसकी लोकेशन तो पता लग जाएगी। बाकी साथ में जो भी बंदा तुम्हारे सामने आएगा, अगर फ्लैश फ्रीज भी है तब भी काम आता है बीस्टन पेट, एंड साथ में तुम काफी इजी हेडशॉट मार के खत्म कर दोगे एंड काफी इजी तुम्हें क्लचेस देखने को मिलेंगे। साथ में जाइन की वजह से तुम यहाँ पर पीक भी ले सकते हो, बहुत ही इजी पीक देखने को मिलेगा, बिकॉज तुम्हारे पास 300 प्लस एचपी होगी, सामने वाला बंदा तुम्हें नहीं खत्म कर पाएगा, तुम उसको काफी इजी खत्म कर दोगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे कर दिया। जाइन कैरेक्टर को तुम्हें बेस्ट यूज देखने को मिलता है इस लोकेशन पे, जहाँ पे तुम्हारे पास कवर हो, परमानेंट कवर हो एंड सामने की साइड तुम्हारे ऊपर बंदे रश कर रहे हो। एंड यहाँ पर तुम चाहे 1v3 भी कर सकते हो, 1v4 भी कर सकते हो, बिकॉज तुम्हारे पास काफी एचपी होगी। जैसे कि तुमने यहाँ पे देखा मैंने इसको नॉक ले लिया, इसको भी नॉक ले लिया एंड यहाँ पर इसको नॉक लेने के बाद सामने की तरफ एक ही बंदा है, मतलब 1v3 था मेरे सामने एंड यहाँ पर मैं थोड़ा लकी था बिकॉज ये बंदा जाके एलिमिनेट हो जाता है एंड ये राउंड में काफी इजी निकाल लेता हूँ। क्या बात है। सो अब बात करते हैं आज के लास्ट कॉम्बो की, जिसमें सबसे पहले तुम्हें लगाना है एंटोनियो की जो तुम्हें लगाना है लाइट एल्वोरो, जो कि तुम्हें नेड करना है। ये कॉम्बो होने वाला है नेडिंग के लिए, तो तुम्हें यहाँ पर ओथो लगाना है साथ में उसके बाद, एंड ओथो के बाद तुम्हें लगाना है एक होमर कैरेक्टर, और उसके बाद तुम्हें लगा लेना है यहाँ पर मोको, जो कि तुम्हें लोकेशन बता देगी किसी की भी। तो अब देखते हैं गेम में हमारे साथ क्या होता है। चलो भाई, सो यहाँ पर मैं इस कॉम्बो को ट्राई करने जा ही रहा था अपने गेम में, वैसे ही मेरे सामने हैगर आता है एंड ये यहाँ पे काफी गंदा हेडशॉट मारता है मेरे को, मेरे पूरे टीममेट को मारता है। मतलब यहाँ पर मैं ये नॉर्मल सीएस खेल रहा था, ये बंदा नॉर्मल सीएस में हैक ट्राई कर रहा था, मतलब ये बंदा अभी अभी हैकर बना है, मतलब मेरे को पता है कि सीजन आ चुका है तो यहाँ पर हैकर्स काफी आने वाले हैं, तुम्हें भी पता है कि हैकर काफी आने वाले हैं, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें बस उनसे नॉक हो जाना है, नॉक होने के बाद वहाँ पे बस सिंपली उनको रिपोर्ट मारो एंड उनकी आईडी बैन करवाओ। ठीक है, तो अब बात करते हैं अपने कॉम्बो की। तो यहाँ पर तुम्हें कुछ नहीं करना, बस नेड उठाना है एंड यहाँ पर ये नेडर्स के लिए है, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, होमर फेंकना सबसे पहले तो यहाँ पे और नेड कर देना, उसके बाद होमर थोड़ा सा लेट जाएगा तुम्हारा, तुम्हें पता है, तो होमर को पहले फेंकना, पहले नेड मत करना, पहले होमर फेंक देना एंड फेंकने के बाद तुम काफी इजी किसी को भी नॉक निकाल लोगे एंड नॉक निकालने के बाद काफी इजी राउंड भी निकाल लोगे। होमर से तुम काफी बंदों की लोकेशन पता कर सकते हो, अगर तुम जाते हो मतलब फैक्ट्री वाले राउंड में या फिर कोई भी राउंड तुम्हारे सामने आता है, तुम लोकेशन काफी इजी पता कर पाओगे कहाँ पे एग्जैक्ट बंदे हैं एंड एग्जैक्ट बंदे पता होने के बाद मोको लग जाएगा उसके ऊपर एंड मोको लगने के बाद तुम काफी इजी नेड कर पाओगे और डैमेज भी दे दोगे और साथ में यहाँ पर जाते ही तुम नॉक भी ले लोगे, चाहे नॉक हो जाओ बस तुम्हारा टीममेट तुम्हारे साथ होगा तो तुम काफी इजी रिवाइव भी हो जाओगे। सही बात है। यहाँ पे मैं रिवाइव हो जाता हूँ, रिवाइव होने के बाद मेरे पास फ्लैश फ्रीज है तो मैंने यहाँ पर जल्दी से फेंक दिया एंड जैसे ही 2-3 डैमेज गया उसके मोको की वजह से लोकेशन आ गई एंड यहाँ पर लोकेशन आने के बाद मेरे को पता है सामने की तरफ ये बंदे हैं और मैंने काफी इजी कवर दिया, हमने राउंड निकाल लिया। बट होमर का क्या होता है कि कभी कभी होमर भी कंफ्यूज हो जाता है, अगर सामने बहुत सारे बंदे हैं तो यहाँ पर होमर कहाँ लगेगा तुम्हें भी नहीं पता एंड उसे भी नहीं पता, तो यहाँ पर थोड़ा देख ही खेलना, बिकॉज अगर सामने 3 से 4
चार बंदे अलग अलग खड़े हैं तो यहाँ पर किसी भी लग सकता है, और अंधा रश देना मतलब ये तुम्हारे लिए हानिकारक है। लेकिन 1v1 की फाइट जीतना काफी इजी है अगर तुम 1v1 खेलते हो सामने फर्स्ट राउंड में किसी के साथ भी, तो यहाँ पर नेट करके पहले डैमेज निकालो एंड उसके बाद होमर के साथ तुम काफी इजी किसी को भी नॉक निकाल सकते हो। हालांकि यहाँ पे मैं नॉक हो जाता हूँ लेकिन यहाँ पर मेरे टीममेट मेरे साथ थे तो यहाँ पर मेरे टीममेट्स ने काफी इजी नॉक निकाला सामने की तरफ बंदों को एंड यहाँ पर ही राउंड हम विन करते हैं। ये कॉम्बिनेशन बेस्ट होने वाला अपने नेटिंग के लिए। जैसे कि तुमने यहाँ पे देखा मैंने सबसे पहले अपना होमर फेंका एंड होमर की वजह से लोकेशन पता लगी जिसकी वजह से यहाँ पर मैंने अपना फ्लैश फ्रीज फेंका एंड यहाँ पर फ्लैश फ्रीज लग जाता है। अब आज तुमको एक क्लच दिखाता हूँ इस कॉम्बो के साथ। तो सबसे पहले देखो मेरा एक टीममेट नॉक है एंड यहाँ पर टीममेट जैसी नॉक होता है मैं सामने जाता हूँ एंड यहाँ पर अपना होमर लगाया मैंने एंड होमर लगाने की वजह से लोकेशन आ गई मेरे को सामने वाले बंदे की और यहाँ पर मैंने नेट किया। नेट करते के साथ यहाँ पर ये बंदा नॉक आता है। हालांकि मेरे ऊपर भी एक होमर आ गया था लेकिन मैं बच गया यहाँ पे। और मेरे बचने के बाद अब देखो क्या होता है, यहाँ पर सामने की तरफ एक बंदा है वो मेरे ऊपर रश कर रहा था लेकिन मोगो की वजह से मेरे को उसकी लोकेशन पता है एंड यहाँ पर सबसे पहले ये बंदा दिख गया, ये मेडिकेट कर रहा था यहाँ पर। और यहाँ पर ड्रैकी भी होगा तब भी तुम्हें लोकेशन पता लग जाएगी लेकिन मोगो से भी काफी इजी पता लग जाती है, तो यहाँ पर ड्रैकी पैड भी लगा लेना अगर लगा सकते हो तो। अब यहाँ पर मेरे सामने बंदा आ चुका है, एकदम लास्ट बंदा होने वाला है यहाँ पे। मोगो से लोकेशन भी पता लग गई मेरे को इसकी और मेरा होमर भी चार्ज हो रखा है यहाँ पे। तो अब देखो क्या होता है हमारे साथ। सबसे पहले मैंने होमर ऑन किया अपना एंड होमर ऑन करने के बाद यहाँ पर ही होमर गया एंड यहाँ पर हेडशॉट के साथ काफी इजी मैंने इसको बहुत जल्दी खत्म कर दिया। सो गाइस बस आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।